बहराइच से बड़ी खबर मिल रही है, आदमखोर भेड़िए से जुड़ी बड़ी अपडेट है। कुलेला गांव में फिर से दिखे हैं दोनों भेड़िए, वन विभाग की टीम ने घेराव किया। कुलेला गांव पहुंचे हैं देवीपाटन के कमिश्नर और साथ ही वन विभाग की टीम मौके पर इस वक्त मौजूद है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दो भेड़िए जो कि अभी पकड़ से दूर है उन दोनों को देखा गया है और अब कमिश्नर भी मौके पर पहुंचे, इसके अलावा वन विभाग की टीम भी एक्टिव हो गई है और टीम की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द ही दोनों को पकड़ लिया जाएगा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मौके से, तस्वीरें जहां पर पुलिसकर्मी और साथ ही वन विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद है। कई उपकरण लगाए गए हैं ताकि भेड़ियों की निगरानी की जा सके, ऐसे में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है और साथ ही पिंजरे भी लगाए गए हैं। तो वन विभाग की टीम ने चारों तरफ से घेराव कर लिया है और लोगों से भी अपील की जा रही है। और ये उस दौरान की तस्वीरें जब पटाखे फोड़े गए ताकि जो रिहायशी इलाके हैं उन इलाकों से भेड़िए दूर जा सके, क्योंकि 9 लोगों की अभी तक भेड़िए जान ले चुके हैं और ऐसे में लोगों में डर भी बहुत ज्यादा है और लोगों से अपील यही की जा रही है कि रात होने के बाद में, अंधेरा होने के बाद में घर से बाहर ना निकले। और वन विभाग की टीम पुलिसकर्मी लगातार निगरानी भी कर रहे हैं और कल भी ये दावा किया गया था कि दोनों को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन सुबह से कोई भी लोकेशन ट्रेस नहीं की गई थी। घर है जहां पर कुछ दिन पहले इन आदमखोर भेड़ियों का मूवमेंट मिला था, जिसके बाद इसी के गेट पर यहां पर ये पिंजरा रखा गया है। आज पूरा दिन वन विभाग ने कोशिश की, सुबह भी ड्रोन कैमरों में आदमखोर भेड़िया नजर आया, लेकिन वन विभाग की लाख कोशिशों के बावजूद वन विभाग उसे पकड़ने में नाकामयाब रहा। एक बार फिर अभी लोकेशन उनकी इसी इलाके में मिली है। वन विभाग पूरी ताकत लगाकर ये कोशिश कर रहा है कि सुबह तक उन्हें हर हाल में पकड़ा जाए और इस इलाके में व्याप्त आदमखोर भेड़ियों की दहशत को खत्म किया जाए। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप, न्यूज 18 बहराइच। हमारे संवाददाता ने इस मौके पर गांव वालों से भी बातचीत की, उन्होंने बताया कि उम्मीद है कि आज रात को भेड़िया एक बार फिर से वापस आ सकता है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बहराइच के मैसी क्षेत्र में अभी भी आदमखोर भेड़ियों को लेकर दहशत ज्यों की त्यों बनी हुई है, क्योंकि ये कहा जाता है कि भेड़िया अगर कहीं पर हमला करता है या रहता है तो वो दूसरे दिन जरूर वापस आता है। और अब वो 48 घंटे बीत चुके हैं, भेड़िया आज रात आने वाला है, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि इस इलाके के लोग अभी से सतर्क हैं कि आज रात भेड़िया फिर उनके बच्चों को निशाना बना सकता है, जिससे बचने के लिए आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं बग्गर गांव में खड़ा हूं, जहां के हर रास्ते पर इसी तरह जो ग्रामीण हैं वो लाठी डंडों लेकर खड़े हैं, वहां पर वो अलर्ट है। दादा, आज बताया जा रहा है 2 दिन बीत चुके हैं तो एक बार फिर भेड़िया एंटर कर सकता है, आ सकता है इस इलाके में, क्या तैयारी की गई है? साहब, तैयारी की है, चारों तरफ से घेराव किए हैं और भेड़िया की आने की संभावना है आज, और जो है लाठी डंडा सिटी आदमी और गोला तमाशा सिटी चारों तरफ सिटी घेराव किए हैं कि सेठ आज काल भरे सेठ पकड़ जाए, जो भेड़िया तो हम आपके जान बच्चन को बच जाए। तो जैसा कि आपने सुना कि लोगों को उम्मीद है कि क्योंकि 2 दिन बाद भेड़िया वापस आता है, तो आज वो 2 दिन पूरा हो चुका है, क्या तैयारी है, किस तरह से आप बचने के लिए प्रयास कर? सर, लाठी डंडा टार्च गोले पटाखे सब लगाते हुए पूरे गांव में घूमते हुए ऐसे रात में पहरेगिरी करेंगे सर, इसी वजह से बच पाएंगे। लखीमपुर खीरी में बाघ और तेंदुए के हमले से 28 दिन में 4 लोगों की मौत हो चुकी है और पिछले 3 दिनों से वन विभाग आदमखोर बाघ को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है, ड्रोन कैमरों की मदद भी ली जा रही है और बाघ को पकड़ने के लिए इलाके में 4 पिंजरे भी लगाए गए हैं, साथ ही 24 ट्रैप कैमरे भी लगाए गए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखीमपुर खीरी की, ये तस्वीरें और यहां पर गन्ने की फसल जिसके अंदर भेड़िए छिप जाते हैं और ऐसे में उनको पकड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और तेंदुए का आतंक भी देखा जा रहा है। ये 3 तस्वीरें लखीमपुर खीरी से, जहां पर तेंदुए के आतंक के चलते 4 लोगों की अभी तक मौत हो गई है, पिछले 28 दिनों का ये डेटा है और ऐसे में ग्रामीणों की तरफ से मांग की जा रही है, तलाश शुरू कर दी गई है और वन विभाग की टीम भी इस वक्त मौके पर मौजूद है। उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा आज पूरी हो गई, 5 दिन 10 शिफ्ट में विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा पूरी कर ली गई है
और योगी सरकार ने इतना कड़ा सुरक्षा इंतजाम किया कि परिंदा भी पर न मार सके। सीएम योगी ने साफ लफ्जों में जीरो टॉलरेंस की बात कही थी और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों की संपत्ति कुर्क करने का अल्टीमेटम भी दिया था। 5 दिनों तक चली परीक्षा में 30% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी है, जबकि 5 दिनों में 71 FIR दर्ज की गई और 86 लोगों को गिरफ्तार किया गया। परीक्षा के दौरान पुलिस और STF के जवान परीक्षा सेंटर के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी नजर रखे हुए हैं ताकि किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। पुलिस भर्ती परीक्षा पूरी होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि पुलिस के 60,200 से अधिक पदों के लिए आयोजित परीक्षा निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई है और अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई। परीक्षा में सहभागिता करने वाले सभी ऊर्जावान और अनुशासित युवाओं को मनोनुकूल परिणाम प्राप्त हो सके, सभी का भविष्य उज्ज्वल हो, इसके लिए अनंत मंगल कामनाएं। विश्व की सबसे बड़ी सिविल पुलिस भर्ती परीक्षा को सफलतापूर्वक सकुशल संपन्न कराने में सहयोगी सभी जनों, उत्तर प्रदेश पुलिस और साथ ही प्रोन्नति बोर्ड और सभी जिला प्रशासन को हृदय से धन्यवाद। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां से लोनी विधानसभा से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने गाजियाबाद के अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। विधायक नंदकिशोर गुर्जर का आरोप है कि अधिकारियों के ढीले रवैये से क्राइम बढ़ता जा रहा है। बीजेपी विधायक ने बीते कुछ दिनों में हुई बलात्कार छेड़छाड़ की घटनाओं का जिक्र किया। उनका आरोप है कि उच्च पदों पर बैठे अधिकारी सपा के एजेंट बन चुके हैं, लिहाजा उन्होंने सीएम योगी से एक्शन लेने की अपील की। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ये करबद्ध निवेदन है कि गाजियाबाद को, पूरे NCR को आप बचा लीजिए, आपसे उम्मीद है, क्योंकि यहाँ के अधिकारी समाजवादी पार्टी के एजेंट बन चुके हैं। हालात इतने खराब कर दिए हैं कि प्रतिदिन रोहिंग्या, बांग्लादेशी और स्थानीय मुस्लिम मिलकर के दुराचार कर रहे हैं, दरिंदगी कर रहे हैं। रोज नई घटनाएं सामने आ रही हैं। लौनी के अंदर 3 बहनों की घटना इस तरह की दर्दनाक स्थिति है कि धरती फट जाए। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बीजेपी पर हमला, बीजेपी अपना आधार तेजी से खो रही है और जनता ने सांप्रदायिकता को पीछे छोड़ा है। संविधान की लड़ाई चलेगी, ये कहना है अवधेश प्रसाद का। आरक्षण बचाने की और महंगाई कम करने की लड़ाई होगी। ये तो सफाया की तरफ चल रही है, मैंने बीजेपी का जो आधार था वो आधार खत्म हो रहा है, तो अब किस तरह चाहे। और इस प्रदेश की जनता ने सांप्रदायिकता को पूरी तरह से नकार दिया है, उसका उदाहरण है जनपद अयोध्या में फैजाबाद की लोकसभा सीट मुझे जिताकर पूरे देश और प्रदेश और दुनिया में संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिकता की, नफरत की राजनीति अब नहीं चलेगी। मुजफ्फरनगर की खतौली पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से लगभग 2 लाख रुपए कैश के अलावा सोने चांदी और के जेवर भी बरामद किए गए हैं। दरअसल 17 अगस्त की रात में भट्टा व्यापारी के बंद मकान में शातिरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक जिस कॉलोनी में चोरी हुई थी आरोपी उसी कॉलोनी के रहने वाले हैं। पहले शातिरों ने घर की रेकी की और इसके बाद में रात को खिड़की तोड़कर अंदर घुसे और चोरी की घटना को अंजाम दिया। कल इस टीम को घटना का वर्कआउट करने में सफलता हासिल हुई है और इसमें जो चोरी का सामान था वो 100% रिकवर किया गया है। इसमें 2 अभियुक्तों द्वारा मिलकर ये चोरी की गई, जिनके नाम नदीम और नवेद हैं। ये दोनों थाना क्षेत्र खतौली के ही रहने वाले हैं और इन लोग इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं। जब इन्होंने देखा कि मकान सूना पड़ा है, जो मकान के व्यापारी हैं वो बाहर गए हुए हैं,
तो इन्होंने पहले उसकी रेकी की और फिर उसके बाद में रात्रि में घर का खिड़की तोड़ के वहाँ पे इन्होंने घुसे और वहाँ से जो है वो घर में रखा हुए कीमती सामान ज्वेलरी और वहाँ से नगद रुपए वहाँ से इन्होंने चोरी कर लिए थे। और खबर फिरोजाबाद से है जहां पर फरिया में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत में बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई। दरअसल थाना फरिया क्षेत्र में कई जगह पर रोड किनारे अतिक्रमण हो रखा था। प्रशासन की ओर से बार बार नोटिस चस्पा करने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका। मौके पर एसडीएम लेखपाल और साथ ही नायब तहसीलदार पुलिस टीम मौजूद रही। अंबेडकर नगर में थाना इब्राहिमपुर पुलिस को सफलता मिली है जहां पर गौ तस्करों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की लेकिन पुलिस ने दो शातिरों को गिरफ्तार कर लिया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस को कामयाबी मिली है। तस्करों के पास से 32 किलो से ज्यादा गोमांस बरामद हुआ है, साथ ही एक बंदूक, चार चापड़ और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। कन्नौज पुलिस ने बाइक लूट मामले में शिकायत करने वाले और आरोपी दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल मामला लेनदेन का था और इसी विवाद में आरोपी रामजीवन बाइक को लेकर चला गया, जबकि शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि तीन बाइक सवार बदमाश ने हमला कर उसकी बाइक लूट ली थी, मगर जांच में कहानी कुछ और ही निकली। पुलिस को बाइक मदारीपुर गांव में मिलने के बाद में आरोपी रामजीवन से पूछताछ की तो माजरा समझ में आया। इनके बीच में वार्ता हुई थी कि जहाँ पे घटना चल है वहाँ पे इनको मिलना था, जो भी इनके बीच में विवाद है उस पर इनको सुलझाने के लिए बात करने के लिए आने के लिए बात हुई थी। मौके पे इनके बीच में फिर से विवाद हुआ और रामजीवन ने कहा या तो मेरा पैसा दो अन्यथा इनकी बाइक तुम्हारी बाइक लेके जा रहे हैं। उसके बाद रामजीवन इसकी बाइक लेके चला गया और सूचनाकर्ता जो विमल है इसने पुलिस को एक भ्रामक मिथ्या सूचना लूट की दी, ये प्रकाश में आया। साथ ही रामजीवन ने भी अवैधानिक कार्य किया, इस प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आगरा में पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल तीन दिन पहले एक महिला ने गांव के ही युवक पर जबरन खेत में ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस को शिकायत मिलने के बाद में पीड़िता का मेडिकल कराया गया और केस दर्ज किया गया। थाना बसई अरेला क्षेत्र की घटना है। खबर फतेहपुर है जहां पर महिला शिक्षा मित्र ने प्राथमिक विद्यालय के हेड अध्यापक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। इसके बाद में ग्रामीणों ने स्कूल पहुंचकर हेड अध्यापक को कमरे में बंद कर दिया और हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से हेड अध्यापक को छुड़ाया। हालांकि महिला टीचर ने हुसैनगंज थाने में तहरीर दी। भिटोरा ब्लॉक के बीसापुर प्राथमिक विद्यालय का मामला है। खबर उन्नाव से है जहां पर जिला कारागार में एक बंदी ने पेड़ से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली और साथ ही गिनती के दौरान एक बंदी कम पाया गया, तब छानबीन शुरू की गई और बंदी का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। मृतक 8 साल से दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद था और मृतक कैदी बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के पलिया गांव का रहने वाला है। 28 जुलाई 2016 को सरोजनी नगर मोहल्ले की एक मासूम के साथ में दुष्कर्म का दोषी था। खबर गाजियाबाद से, यहां पर महागुन मॉल की फोर सीलिंग भरभराकर गिर गई और एक युवक घायल हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। थाना कौशाम्बी क्षेत्र की घटना है और इस पूरे मामले को लेकर जांच भी की जा रही है। प्रतापगढ़ में दहेज उत्पीड़न हत्या के आरोप में मां बेटे समेत तीन लोगों को 8 साल की जेल हो गई है। कोर्ट ने 8 साल की सजा के साथ साथ 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया और वादी ओमकार के अनुसार उसने अपनी बेटी मंजू देवी की शादी साल 2004 में की थी और बेटी ससुराल गई तो वहां पर ससुराल वाले उसे परेशान करने लगे। 3 अगस्त 2009 को दहेज के लिए वादी की बेटी की हत्या कर सूचना दी गई। न्यायालय में मामले में राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी अजय कुमार पांडे ने की। नोएडा में 75 रोड पर लंबा जाम लग गया है और सैकड़ों गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दी। लोग घंटों जाम में फंसे रहे और लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। ये तस्वीरें आप देखिए नोएडा की।
और कानपुर में साथियों के साथ में गंगा में नहाने गए बनारस स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी डायरेक्टर आदित्य वर्धन गौरव के डूबने से हड़कंप मच गया। जानकारी के बाद में मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम और गोताखोर उन्हें खोजने में जुटे हैं। आदित्य वर्धन अपने 3 साथियों के साथ में गंगा स्नान के लिए नानामऊ घाट पर गए थे, जहां वो स्नान करते समय अचानक गहरे पानी में चले गए, जिससे वो डूब गए और फिलहाल टीम उनकी जांच कर रही है। चित्रकूट में 2 बाइक की टक्कर हो गई है। हादसे में दोनों बाइक सवार 6 लोग घायल हो गए। 3 घायल पुलिस भर्ती परीक्षा देकर वापस लौट रहे थे और घायलों को इलाज अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना रायपुरा थाना इलाके की है। आयशा जी की गाड़ियां दोनों एक साइड में आ गई हैं, बीच से रिक्शा जा रहा है, यही लड़ी हुई है। बाइक दोनों आमने सामने, दोनों आमने सामने, आमने सामने। अच्छा, दोनों बाइक में कितने लोग बैठे? 3 थे? 3 एक तीनों है, तीन ही है। अच्छा, ये लोग कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये बाबूजी मिर्जापुर तो बताए ना। हेलो, आऊं वाली जहाँ क्यों? अच्छा, तो पेपर देने आए थे क्या? अब ये तो जी नहीं बता सकते। खबर गाजीपुर से है, जहां पर एआरटीओ पर ट्रक ड्राइवर ने बड़ा आरोप लगाया है। घूस ना देने पर 2 ट्रकों के एक्सल सेल्फ खोल लेने का आरोप लगाया गया। मामला सामने आने के बाद में टीम जांच कर रही है और साथ ही मामले में ट्रक ड्राइवर ने एआरटीओ के ड्राइवर के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी है, जबकि एआरटीओ ने आरोप को बेबुनियाद बताया। उनका दावा है कि दोनों ट्रक ओवरलोड थे, चालान करते समय भाग न जाए इसलिए एक्सल खोले गए थे। जी, मोहम्मदाबाद क्षेत्र में पिछले सैटरडे को हम लोग चालान करने गए थे, वहाँ पे 2 MP नंबर की गाड़ियाँ ओवरलोडेड मिली थी। गाड़ियाँ मिली तो ड्राइवर हम लोग को देख के बैटरी निकाल के भाग गए और फिर झूठे में उन्होंने कहा कि मैंने एक्सल निकाल लिया। एक्सल तो खैर मैंने निकाला था, लेकिन उन्होंने सेल्फ का भी कह दिया कि मैंने सेल्फ निकाल लिया था, जबकि सेल्फ उन्होंने खुद ही निकाल के गाड़ी में बोरे में भर के एक अपने बॉक्स में रखे हुए थे। मेरा वर्जन किसी ने लिया नहीं और मैंने मतलब था कि गाड़ी का जो भी काम हुआ था वो लीगल ही पूरा था, क्योंकि कांटा पर्ची से पूरा चालान हुआ था। सिर्फ एक ही चीज़ थी कि गाड़ी मैं ले नहीं जा सकती थी, तो मैंने एक्सल निकाला था। बीजेपी सांसद कंगना रनौत के खिलाफ कन्नौज में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर नारेबाजी की और सांसद को बर्खास्त करने की मांग की। डीएम को ज्ञापन सौंपने के बाद में कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश पालीवाल ने कहा कि कंगना रनौत के बयान घोर निंदा करते हैं। हमारे वर्तमान अध्यक्ष श्री खड़गे जी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जुझारू प्रदेशाध्यक्ष अजय राय जी के निर्देशानुसार जो कंगना रनौत जी ने किसानों के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, उसके संबंध में हम कांग्रेस जन भारत सरकार की महामहिम राष्ट्रपति महोदया को जनपद के जिला अधिकारी कन्नौज के द्वारा एक ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं कि वो तत्काल ऐसे निकम्मे संसद सदस्य को लोकसभा से बर्खास्त करें। कोलकाता की घटना ने पूरे देश की महिलाओं को झंझोर कर रख दिया है। घटना को लेकर लोगों में नाराजगी है। वाराणसी की महिला चित्रकारों ने कैनवास पर महिलाओं का दर्द उकेरा। 80 घाट पर चित्रकारी की प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसमें सबसे ज्यादा महिला चित्रकारों ने हिस्सा लिया। कैनवास पर उन्होंने महिलाओं से संबंधित चित्रों को बनाकर रंग भरा और इन चित्रों में महिलाओं को अलग अलग रूप में दिखाया गया। देखिए, यहाँ पे हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी चित्रकारों ने काम किया है, वो महिलाओं पे बेस्ड है। ज़्यादातर चित्रकारों ने महिलाओं के ऊपर काम किया है, जो समाज में सब महिला की जो आजकल आप देख रहे हैं, जो हमारे पेपर और सब न्यूज़ में महिलाओं के प्रति जो हमारे समाज में चिंता है, उसका चित्रकारों ने अपने उकेरने का प्रयास किया है। उसके अलावा चूँकि ये घाट पे है, बनारस संस्कृति और कला की राजधानी है, तो यहाँ पे बच्चों ने घाट के ऊपर, मंदिर के ऊपर, इस तरह विभिन्न विषयों को लेकर काम किया है। और एक समय था जब घर के आंगन में छत की मुंडेर पर गोरैया यूं ही अटखेलियां करती हुई दिखाई देती थी। घरों में घोंसले हुआ करते थे, लेकिन आज के दौर में गोरैया दिखना ही बंद हो गई है। इसकी वजह है कि धीरे धीरे इनकी आबादी कम हो गई है, लेकिन सिद्धार्थनगर के रहने वाले कंचन वर्मा ने गोरैया को बचाने के लिए पहल की है। कंचन वर्मा ने अपने घर में ही गोरैया के लिए घोंसले बनाए हैं और 1000 घोंसलों में करीब 2000 गोरैया रहती है।
और हापुड़ में एक शख्स की अपने ही घर में लाश मिली है। पहले तो परिवार वालों को ये नेचुरल मौत लगी, लेकिन जब मासूम बच्चे ने समीर चाचू का नाम लिया तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई और मासूम की गवाही पर मर्डर में शामिल मां और उसका आशिक पकड़ा गया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देवर से इश्क शौहर का कर, मासूम की गवाही, अम्मी ने पापा को मार डाला। साथ में कौन है और कौन है साथ में? और इसकी अम्मी ही। हापुड़ में जब 5 साल के मासूम ने अपने पिता की हत्या का राज खोला तो सुनने वालों के होश उड़ गए। मुझे नहीं पता किस किसने मारा। चाचा ने। कौन सोने? नाम क्या बेटा तुम्हारे पापा का, चाचा का बता दे। समीर। इस हत्या के पीछे का कारण देवर भाभी के अवैध संबंधों का होना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने दोनों हत्या के आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पत्नी के अवैध संबंध बने पति की मौत का सबब। पत्नी के अवैध संबंधों का विरोध करने पर पत्नी ने अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की पीट पीट कर हत्या कर डाली, लेकिन 5 साल के मासूम बेटे की गवाही ने पत्नी, उसके प्रेमी, एक अन्य साथी को पहुंचाया जेल। 5 साल के मासूम ने इस हत्या का राज खोलते हुए बताया कि समीर चाचा के साथ मिलकर अम्मी ने मेरे अब्बू का कत्ल कर दिया। अम्मी ने पैर पकड़े और समीर चाचा ने सीने पर बैठकर घूंसे मारे। पता किस किसने मारा? चाचा ने। कौन सोने? हाँ? कौन से चाचा ने? नाम क्या उनका? और चलिए रुक करते एक बड़ी खबर का। बहराइच में एक बार फिर से भेड़िया देखा गया है। भेड़िये की घेराबंदी शुरू कर दी गई है। 2 भेड़ियों की तलाश की जा रही है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बहराइच में एक बार फिर से भेड़ियों की तलाश शुरू कर दी गई है, तेज कर दी गई है और भेड़िये की घेराबंदी के लिए टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। 2 भेड़ियों की तलाश की जा रही है, 4 को पकड़ लिया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। जिन 2 भेड़ियों की टीम तलाश कर रही थी उनकी चहलकदमी आप इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में देख सकते हैं। रात का वक्त था, अंधेरा था, ऐसे में काफी क्लियर ये पिक्चर नहीं है। और ज्यादा जानकारी के साथ में राजीव जुड़ गए हैं, ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में मौजूद है। राजीव बताइए क्या अपडेट है। देखिए बहराइच में अभी भी आदमखोर भेड़ियों का जो खौफ है वो जस का तस बना हुआ है। लगातार इस पूरे इलाके में भेड़िये ट्रेस किए जा रहे हैं। एक और जहां पर आदमखोर भेड़ियों को ड्रोन कैमरे में ट्रेस किया गया है, 2 भेड़िये जो हैं उनको जो कैला गांव है वहां पर ट्रैक कर रखा है, तो वहीं एक भेड़िया अभी रास्ते में आते वक्त हम न्यूज 18 की टीम को नजर आया, जिसके बाद न्यूज 18 के कैमरे पर आप देख सकते हैं कि ये जो एक्सक्लूसिव वीडियो है उसमें आपको नजर आ रहा है कि ये जो भेड़िया है ये बेढ़नापुर गांव पड़ता है, जो कि 15 किलोमीटर पड़ता है एपिक सेंटर से। वहां पर ये भेड़िया नजर आया है, जिसके बाद जिसकी तस्दीक खुद वहां के आसपास के इलाकों के लोगों ने भी की। कुछ दिन पहले भी इस इलाके में ये भेड़िया देखा गया था। ऐसे में इससे लगता है कि कहीं ना कहीं जो संख्या अब तक 2 बताई जा रही थी उसे कहीं अधिक भेड़िये इस इलाके में घूम रहे हैं। और इस एक्सक्लूसिव वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये भेड़िया पहले इसने रोड क्रॉस किया और उसके बाद दोबारा जब ये क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था उसी दौरान हमारी टीम ने इसको अपने कैमरे में कैद किया और करीब 1.5 मिनट तक ये इधर से उधर भागने की कोशिश करता रहा और अंत में जाकर ये पीछे एक झाड़ी में भाग गया। तो कुल मिलाकर लगातार जो वन विभाग की टीम है वो एक और ककैला गांव में उसने 2 आदमखोर भेड़ियों को ट्रैक कर रखा है, वहां पर उनकी घेराबंदी कर रखी है। तो तीसरा ये भेड़िया जो है वो बेलनापुर के पास नजर आया है। तो जो कि दावा किया जा रहा था स्थानीय लोगों द्वारा कि इस इलाके में 2 ही नहीं बल्कि कई ऐसे भेड़िए हैं जो खुलेआम घूम रहे हैं और यही कारण है कि अभी भी इस इलाके में दहशत है। अब इसकी सूचना के बाद वन विभाग की टीम जल्द इसके बारे में भी तस्दीक करेगी और कोशिश करेगी कि इस तरह के जो भेड़िये हैं उनको पकड़ा जाए और ये पता लगा जाए क्या ये भी आदमखोर भेड़िये हैं या फिर ये कोई सामान्य भेड़िया था। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ी खबर है कि बहराइच में सिर्फ ये 2 आदमखोर भेड़िये नहीं बल्कि कई ऐसे भेड़िये हैं जो दहशत का पर्याय बने हैं, आतंक का पर्याय बने हैं, जिनको देखकर लोग दहशत में हैं। और इस दौरान कई जो राहगीर थे उन्होंने खुद ये पुष्टि की, क्योंकि ये भेड़िया करीब 1.5 से 2 मिनट तक सड़क के किनारे
घूमता रहा, जिसको देखकर लोगों ने बताया कि ये भेड़िया ही है जो इधर चहलकदमी कर रहा है। इससे पहले इसी इलाके में भेड़िया देखा गया था, जिसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी गई थी, लेकिन उस दौरान जब वन विभाग की टीम ने इसे खोजा तब वो उन्हें नहीं दिखा। आज न्यूज 18 की टीम जब वहां से निकल रही थी तो उस दौरान ये भेड़िया नजर आया, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि न्यूज 18 के कैमरे में एक्सक्लूसिव तस्वीरें राजीव हम देख पा रहे हैं। लेकिन राजीव, कल तक ये दावा किया जा रहा था वन विभाग की टीम की तरफ से कि कल रात को ही दोनों को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद में सुबह से हमने देखा कि लोकेशन कोई ट्रेस नहीं हो पाई, ना ही कोई चहलकदमी या कोई अपडेट नहीं सामने आया। अब एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि कैमरे में कैद हो गया है भेड़िया। अब वन विभाग की तरफ से क्या दावे किए जा रहे हैं, कितना वक्त और लगेगा? अब देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि वन विभाग की टीम ने पूरी ताकत झोंक रखी है इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए। खुद मुख्य वन संरक्षक जैसे जो बड़े अधिकारी हैं वो इलाके में कैंप कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले देवी पाटन के मंडल कमिश्नर जो वो भी वहां पर मौके पर मौजूद थे, क्योंकि ये आदमखोर भेड़िए हैं और ये जंगली जानवर हैं, तो ये कब कब अपनी लोकेशन बदलेंगे इसके बारे में कोई नहीं कह सकता। यही कारण है कि सुबह के वक्त वन विभाग की टीम ने इन्हें ककेला गांव के पास ही ट्रैक किया था, इनको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उस दौरान ये आसपास से भागने में सफल हो गया। दोबारा एक बार फिर ट्रैक किया गया है, लगातार अभी जो ड्रोन कैमरे हैं उनमें वो दोनों आदमखोर भेड़िए नजर आ रहे हैं, जिसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। ये तीसरा भेड़िया है जो कि करीब 10 से 15 किलोमीटर दूर बाद ये ट्रैक हुआ है। कोशिश वन विभाग की यही है कि इस तरह के जो भेड़िए हैं, जो दहशत का पर्याय बने हैं, जो आतंक का पर्याय बने हैं, इनको पकड़ा जाए। यानी कि अब ये चुनौती और ज्यादा वन विभाग की टीम की बढ़ गई है, क्योंकि अभी तक दो भेड़िए होने का दावा किया जा रहा था, लेकिन अब ये अपडेट मिल रही है कि दो से ज्यादा हो सकते हैं। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया राजीव आपका, और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज 18। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तर।